साल पापड़ बनाने के लिए मैं गेहूँ एक वाटी में उतना मैं ले ली हूँ और 3 दिन तक भिगो कर रखने का है। तो मैं फर्स्ट डे भिगो कर रखी थी, फिर उसका पानी निकाल दी थी, फिर दूसरा पानी, फिर सेकेंड डे फिर पानी निकाल दी, अच्छे से साफ करके धो देने का, फिर मैंने दूसरा पानी डाला। फिर इस तरह तीसरे दिन भी हम वो पानी निकाल कर फिर दूसरा पानी डालेंगे, अच्छा पानी, नहीं तो हम लोग को खट्टा स्मेल आएगा। मैं ये वाटी दिखा रही हूँ, ये वाटी से मैंने गेहूँ लिया था इतना, ठीक है। आप भी आधा किलो पाव किलो पहले ट्राई करना, बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना। इसमें कोई मतलब ज़्यादा माप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बेटर हो जाने के बाद ही उसी में ही नाप तोल कर करना पड़ता है। और ये गेहूँ जितना भी भिगाओगे आप अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि किसको ज़्यादा करना रहता है कम करना रहता है, इसलिए ज़्यादा 1-2 किलो ऐसा नहीं भिगा देना, वरना 10 जन चाहिए उसको करने के लिए, ठीक है। तो उसे सिर्फ आधा किलो पाव किलो ही आप करिए तो काफ़ी है, बहुत सारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब बराबर मीडियम होगा, 1 जन आराम से कर पाओगे। तो इस तरह देखिए, इसे 3 दिन के बाद दबा कर निकालोगे, चीक निकलता है तो ही हम रेडी है ये अभी पीसने के लिए ऐसा। तो उसके पानी को अच्छे से, खट्टापन पानी जो रहेगा ना उसको अच्छे से छान लेने का, फिर अच्छा पानी डालकर फिर हम मिक्सर में थोड़ा थोड़ा करके पीसने का इस तरह। अब पीसने के लिए चलिए, छान कर निकाल लिया, फिर और इस छानना है, फिर इसको पानी डाल के छान छान के निकालना है कपड़े से। सब अब मैंने पीस के सारा निकाल लिया इस तरह छान के, और इस तरह ऐसा पूरा एक एक करके मैंने इतना सारा देखो ऐसे मुट्ठी में दबा दबा कर निकाल लिया। फिर इसमें पानी डालकर फिर से छानेंगे, फिर ये जो पेस्ट को है ना ये सारा फिर कपड़े से छानेंगे, तो जाकर ये एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। आप इस तरह ऐसे कर लेना, फिर ऐसे मुट्ठी में दबा दबा के ऐसा सारा निकाल लेगा उसके रस को, उसके आप समझ में आया इस तरह से। फिर अभी मैं कपड़े से ऐसे करके छान कर बताऊंगी, तब तक मैं इसको इसमें रख देती हूँ। अरे बात समझ में, देखिए इतना सारा सब मैंने बैटर निकाल लिया, ये भी इसमें भी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिर से मतलब इसमें ऐसे जो क्या जाड़ा जाड़ा ऐसे रहने की तरह लगता है, ऐसे तो चालनी से मैंने छान कर निकाल लिया था, फिर अभी कपड़े से छानूंगी फिर सब बैटर को। और ऐसे सूती कपड़ा आपके पास होना चाहिए मलमल का, ठीक है, तो ही निकलेगा, पॉलिएस्टर का नहीं। बड़े भगोने में इस तरह आप ऐसे छान कर चल जाती है। देखिए इस तरह चलने से इसे छानूंगी इसमें, ऐसे अपने को छान कर हार्ड तो है लेकिन खाने में इतनी मजेदार है ना, ऐसे निचोड़ निचोड़ कर निकालेंगे। तो इसमें भी ढेर सारा जो होगा वो सारा निकल जाएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 3 दिन तक ऐसे भिगा कर रखेंगे तो ही होगा, गेहूं के आटे से नहीं होगा कुरड़े, वो अच्छा नहीं बनता है। देखिए और उसमें ज्यादा ये निकल रहे हैं ना वो सब, इसलिए ऐसे कपड़े से छान लेने का, ऐसे दबा दबा के निकाल लेने का सारा रस।
इसका कोई मेजरमेंट नहीं है इसमें, मतलब जो जब गेहूँ हम भिगोते हैं ना 3-4 दिन के लिए, उसका पानी चेंज करते रहने का, डेली पानी उसका चेंज करते रहने का गेहूँ भिगाने के टाइम। फिर अभी ठंडी का सीजन है तो 4 दिन के बाद मैं इसको पीसी, और ऐसा नहीं तो गर्मी के टाइम में 3 दिन में भीग जाता अच्छे से, उसका चीक निकल जाता है, मतलब ऐसे गेहूं को दबाने पर। और ठंडियों में थोड़ा और होने के लिए 4 दिन समय लगता है भीगने के लिए। रोज पानी इसका चेंज करते रहने का, नहीं तो वास मारेगा। फिर उसको हो जाने के बाद ऐसे दबा के देखने का कि अभी हाँ पीसने लायक हो गया तो पीसने का। फिर ऐसे उसका प्रोसेसर है, देख रहे हो ना, ऐसे छान छान कर निकालने का, चालने में फिर कपड़े से छानने का, तो अपने उसको बारीक पेस्ट उसका मिल जाएगा। देखिए कितना सारा ये निकला ना, देखिए इतना सारा निकला ना। फिर मैं इसको भी डाल दूंगी, और भी है, ये भी किया है इतना। फिर इसको भी हम पानी डालकर थोड़ा फिर ऐसे ही छान लेंगे, तो अपना सारा बेटर निकल जाएगा। इस तरह आपको निकालना है सारा। सारा निकाल देने का, फिर इसको एक दिन ऐसे ढककर पूरा ये बैटर को एक कोने में बिना हिलाए रख देने का। फिर दूसरे दिन पूरा रात भर ऐसे ही रहता रहेगा, मतलब ऐसे ही होगा, ढककर रख देंगे, पूरा हिलाएंगे नहीं कुछ नहीं। फिर उसके दूसरे दिन नेक्स्ट डे हम इसको इसके प्रोसेसर बताएंगे आगे, ठीक है ना। पता चला था ना, ऐसे सारा मैंने छान कर निकाल लिया, फिर कपड़े से छानी, फिर इसको भी हमें पानी डालकर ऐसे ही छान लेंगे। फिर ऐसे इसको एक दिन के लिए हम भिगो, और एक दिन के लिए ऐसे ढककर बिना हिलाए रख देंगे ये टब को, जो हमारा बैटर है उसमें, ठीक है। फिर उसको हिलाने की जरूरत नहीं है, और दूसरे दिन उसका प्रोसेसर में बताती हूँ। देखिए पता चला ना, इस तरह में बैटर को अभी बिना हिलाए हमें रात भर इसको ढककर रख देना, ठीक है। आप चाहोगे तो इसके ऊपर जाली भी लगा सकते हो और रखकर, देखिए हम रात भर ढककर रखे थे, अब सुबह निकालेंगे तो ये पानी ऐसे ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसको निथार लेने का, मतलब निकाल लेने का, जितने धीरे धीरे से ऐसे ऊपर ऊपर, और इसका जो चीक बच जाएगा उसी में हम पकड़ करेंगे। थोड़ा निकले रहे धीरे से, एकदम नहीं तो बैटर चला जाएगा। इस तरह आप भी छान कर निकालिए। बस ठीक है, ये सब हम फेंक देंगे। आप